पहले रची से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान किसी और की तरफ है। और बाहर वाले ये भी बोल रहे ये सब कुछ एक नाटक था, असल में अर्शी के साथ तुम्हें शादी करनी नहीं थी क्योंकि तुम उस नौकरानी से प्यार कर। साहब बस कीजिए, बहुत हो गया। देखिए बाहर वाले जो बोलते हैं वो बाहर तक ही रहे तो अच्छा है, लेकिन घर के अंदर मेरे बाबा के सामने आप मेरी बेइज्जती करेंगी, मेरी इंसल्ट करेगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब अनी का गुस्सा चरम सीमा पर है। झनक के बारे में ऐसे कैसे कोई भी बोल सकता है कुछ भी, पर अब तनुजा बोलती है। अनी, विपाशा ने कुछ भी गलत कहा क्या, बताओ। आई एग्री अनिरुद्ध, ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से हो रहा है। और अब अनी को विश्वास ही नहीं होता कि उसके माँ बाबा भी आज विपाशा के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप आधी बातें तुम्हें बताते नहीं है, हम क्या फेस करते हैं, क्या करना पड़ता है हमें। जब मैं घर के बाहर कदम रखता हूँ ना तो मुझे सर झुका के चलना पड़ता है। कोई ना कोई इंसान जरूर बोल रहा होता है कि ये जा रहा है शुभांकर बोस, इसी का बेटा है जो अपनी नौकरानी से प्यार में पड़ गया। बाबा क्या क्या बाबा, विपाशा गलत नहीं बोल रही। मीम साहब क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, सही बोल रही है गलत बोल रही है मुझे नहीं पता। जनक को मैं यहाँ लेके आया था, वो मेरे साथ आई थी, वो मेरी जिम्मेदारी है। और अब बहस छिड़ती है बाप बेटे के बीच, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब अचानक से बाहर वालों ने क्या कहा इसकी परेशानी है शुभो और अनी को। पर क्या अनी की वाकई में जनक अब भी जिम्मेदारी है? अब वो बिना बताए यहाँ से चली गई है। भगवान न करे अगर उसे कुछ हो गया तो इल्जाम किस पे आएगा, मुझ पे आएगा और आप सब पे आएगा। तो क्या अनी अपने वकील बाबा के सामने उन्हें वकालत के ढंग से ही सब कुछ समझा रहा है? और अब विपाशा भी अनी की रडार में है। और मेम साहब आप जो बोल रही है ना बाहर वालों की जुबान, उसे आप रोक नहीं पाएंगी। आज मेरे और जाने के बारे में बात कर रहे हैं, अगर जाने को कुछ हो गया तो मेरा और अर्शी का नाम खराब कर देंगे, फिर आप सेम बात बोलेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ साफ है जो मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ। अर्शी की तरफ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अभी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। जनक के लिए मुझे चिंता हो रही है क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है, उसकी बेइज्जती की गई है, इसलिए वो सह नहीं पाई और चली गई यहाँ से। और इस तरह अनी अपने परिवार को समझाता है कि वो क्यों परेशान है झनक को लेकर। और लोगों का तो क्या है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, उसका कोई अता पता ही नहीं है। जब पता लग जाएगा ना कि वो कहाँ है मैं उसे ढूंढना छोड़ दूंगा। अनिरुद्ध, और अगर नहीं मिली मैं कोशिश करता रहूंगा। अरे वो लड़की इस घर से निकली तब जाके इस घर में शांति आई है, कांट यू सी। पर अब जो डर था सबको वही बोल बैठा अनी, झनक को ढूंढने की बात। और ये कैसे बर्दाश्त करे कोई भी। मैं तो अपने परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लड़की यहाँ से गई, निकल गई, वे फ्री नाउ। पर अनी को ऐसी फ्रीडम पसंद नहीं, झनक उसे बताए बगैर आखिर कैसे गई। पर शुभो अभी भी नहीं रुका है। और एक बात और लिख के रख लो, एक से दो दिन के अंदर वो लड़की फिर से तुम्हारे साथ कनेक्ट करेगी, नहीं तो कोई सिचुएशन क्रिएट करेगी तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए, और ये तुम्हारा पाप बोल रहा है, देख लेना। बाबा मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं, मेरा दिल किसके लिए धड़कता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। और आखिरकार अनी कह गया अपने दिल की बात कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। आखिर अनी ने सबको आईना दिखा ही दिया। अब आपको, इनको और बाकी लोगों को जो सोचना है सोच सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर अनी चले जाता है और भी तूफान खड़ा करके घर में सबके मन में। और अब वो बेकाबू है, पागल हो गया है, हमारा बेटा पागल हो गया है। काकू ये उस लड़की से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। पर क्या कोई अब अनी को रोक पाएगा झनक तक पहुंचने के लिए, दिल का रिश्ता जो है उसके साथ। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की सारी अपडेट्स में, जहां अब अनी ढूंढने निकलेगा अपनी झनक को।